चैनल, मैं हूँ प्रेरणा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी आपको नीचे स्क्रीन पर दिख जाएगी। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी मिस आउट किया है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप फूडी हैं, फूड लवर हैं और हर दिन कुछ नया खाना चाहते हैं तो मेरे फूड चैनल को ज़रूर विज़िट करें। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरे फूड चैनल को विज़िट करके, मेरी रेसिपीज़ देख के मुझे ज़रूर बताएँ आपको मेरे चैनल कैसा लगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक एग्जीबिशन के ऊपर है जो कि नोएडा में लगता है। नोएडा एज इन दिल्ली एनसीआर के रीजन में ये आता है। तो ये जो एग्जीबिशन है इसका नाम है दीप उत्सव, जो कि नोएडा हार्ट में लगता है। उसी के ऊपर आज का मैंने ये ब्लॉग बनाया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये काफ़ी अच्छा एग्जीबिशन है। तो आई कैन बेट यू आप में से कोई भी ये वीडियो देखने के बाद वो मिस नहीं करना चाहेगा। तो इस वीडियो में मैंने हर एरिया कवर करने की कोशिश की है जो जो वहाँ पे होता है। ऑल ओवर इंडिया वहाँ से आर्टिशंस अपने सारे आर्ट एंड क्राफ्ट्स या फिर उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब का एग्जीबिशन वो वहाँ पे करते हैं। अगर आप दीप उत्सव विज़िट करना चाहते हैं तो इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है नोएडा सिटी सेंटर। वैसे मैं अपने व्हीकल से गई थी, लेकिन अगर आप नोएडा सिटी सेंटर से भी उतरेंगे तो आपको थोड़े ही डिस्टेंस वहाँ पे है वॉकिंग वैसे तो, लेकिन आप रिक्शा भी कर सकते हैं। रिक्शा वाला आपको 20 से 30 रुपए लेगा। तो आप वहाँ पे जब जाएंगे फ्री एंट्री होती है, पार्किंग बाहर भी है, पार्किंग अंदर भी है। अंदर आप करेंगे तो आपको चार्ज लगेगा, बाहर करेंगे तो कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए जाते हैं नावेज करते हुए शुरू करते हैं आज का मेरा दीप उत्सव का। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है दीप उत्सव की मेन एंट्रेंस, यहीं से आपका पूरा एग्जीबिशन शुरू होता है। इसी के राइट हैंड साइड में है पार्किंग। तो जैसे जैसे आगे आप जाते जाएंगे आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में स्टॉल्स दिखते जाएंगे। राइट हैंड साइड में भी स्टॉल्स हैं लेकिन अभी काफ़ी बंद पड़े हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की कुर्तियाँ और ये विंड चाइम्स, उसके बाद सारा होम डेकोर के जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे रीज़नेबल रेट्स पे। साथ ही में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती हैं, मैंने भी यहाँ से पर्सनली काफ़ी सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ली हैं। यहाँ पे आपको बैंगल्स, एंकलेट्स, नेक पीसेस, रिंग्स सब मिल जाएगी। ये जो पूरा है ये एक तरीके से इनर सर्कल है। यहाँ पे आपको हैंडलूम से लेके पिकल्स अलग अलग तरह के ऑल ओवर इंडिया से आए हुए मिल जाएंगे। अभी ये स्टार्टिंग का डेज थे तो इसलिए जो शॉप्स थी थोड़ी सी बंद थी। जैसे जैसे डेज आगे जाते जाएंगे और ये सारी शॉप्स ओपन हो जाएंगी। दीप उत्सव जो है दिवाली के टाइम पर लगता है और इस साल जो है ये लगा है 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। यहाँ पे आपको क्रॉकरी भी मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थी, ये सारी क्रॉकरी, होम डेकोर सब कुछ है और काफ़ी बहुत ही रीजनेबल रेट्स में यहाँ पे मिल जाता है। दिवाली के टाइम पे दीप उत्सव में आपको काफ़ी सारे होम डेकोरेशन के आइटम्स भी मिलेंगे। देख सकते हैं जब हम गए थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप थी। यहाँ पर आपको साड़ी से लेके हर तरह के फैब्रिक ड्रेसेस सब मिलेंगी। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का माल भी मिलेगा, जैसे कि एक जो ये स्टोर है यहाँ पे मैं गई थी, यहाँ पे सारे एक्सपोर्ट वाले फैब्रिक्स थे। यहाँ से मैंने 2 टॉप लिए थे और क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। ये सारे हैं आपके ट्रेडिशनल सूट्स, साड़ीज, और आगे जाएंगे तो आपको और भी वैरायटी मिलेगी साड़ी और फैब्रिक्स की। ये सारे जो अभी आपने देखे, अगर आप देखेंगे साइड में तो यहाँ पे आपको और भी शॉप मिलेगी। एटीएम की आपको कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे एटीएम की सर्विस भी अवेलेबल है। तो ये यहाँ पे आपको कारपेट्स भी मिलेंगे, कारपेट्स आपको एंट्रेंस के पास ही मिलेंगे। अगर आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा एक परफॉर्मेंस स्टेज, जहाँ पे जैसे जैसे टाइम होता है वहाँ पे परफॉर्मेंस भी होती हैं। उसी के बगल में आपको स्टॉल्स मिलेंगे। इसी के बगल में है ये चौकी हवेली। ये यहाँ पे आप अगर इसका व्लॉग अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका अलग से एक व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। यहाँ पे आपको ना केवल राजस्थानी ट्रेडिशन के सारे चीज़ें मिलेंगी बल्कि यहाँ पे अंदर एक रेस्टोरेंट भी है जो आपको पूरा राजस्थानी फूड की सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे पपेट शो से लेके काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग राजस्थानी एक्टिविटीज़ होती हैं।
तो अगर आप इसका ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं जल्दी इसका ब्लॉग ज़रूर लेके आऊँगी। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी हैं और काफ़ी सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप पिक क्लिक करा सकते हैं। तो चलिए, ये था मेरा आज का ब्लॉग दीप उत्सव पे। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, और आप अगर आप चाहते हैं मैं कोई स्पेशल मार्केट या एग्जीबिशन आपकी चॉइस पे कवर करूं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी मैं उसका अपने चैनल पर ब्लॉग ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलिए, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।